स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया का हाल बेहाल है। यह तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला जा रहा है और चाइना में भी फैल रहा है। तो ये फैल क्यों रहा है, आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं। सुअर के दिमाग से लेकर सांपों के सूप तक, क्या खान पान चीनी लोगों को मार रहा है? चीन पूरी दुनिया में अपनी विचित्र खान पान की वजह से पहचाना जाता है। देश की फूड हैबिट को लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए गए हैं। अब कोरोना वायरस फैलने के बाद इस बार फिर चीनी के अखबारों में कई कारमानिश ने विचित्र फूड हैबिट का विरोध करना शुरू कर दिया है। चीन में मांसाहार का प्रचलन विशेष तौर पर है। देश में खान पान की अजीबोगरीब डिशेज में सुअर के दिमाग से लेकर जहरीले सांपों के सूप तक शामिल है। इसके अलावा मांस मंडियों में साफ सफाई को लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर चीन कई बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ चुका है। कोरोना वायरस हो या फिर सार्स, इन दिनों ही खतरनाक वायरस के पीछे चीन की विचित्र फूड हैबिट को कारण माना जा रहा है। चीन की फूड हैबिट को लेकर दुनिया भर के कई बड़े ब्लॉगर्स ने लिखा है कि एक फेमस ब्लॉगर ने लिखा है कि आप जब भी किसी चीन की मांस मंडी या फिर फूड बाज़ार से गुजरते हैं तो लगता है जैसे किसी चिड़ियाघर में आ गए हैं। आपको मांस मंडियों में, पिंजड़ों में बंद हर तरह के जानवर मिल जाएंगे। चीन में ऐसे कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो जिंदा सांप जार के भीतर रखते हैं। कस्टमर अपने पसंद का सांप ऑर्डर कर सकता है। अब कोरोना वायरस को लेकर स्पष्ट हो चुका है कि ये सांप से फैला है, तो यह बात समझी जा सकती है कि विचित्र फूड हैबिट का नुकसान बड़े स्तर पर हो सकता है। CNN न्यूज़ पर प्रकाशित हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप इस वायरस की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत हो सकते हैं। मुख्य रूप से चाइनीज़ क्रेट और चाइनीज़ कोबरा सांपों में इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है। ये दोनों बेहद विषैले सांप हैं। इस रिसर्च को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे इलाज तलाशने में आसानी होगी। कुछ ही समय पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया था कि यह वायरस जानवरों से संबंधित है। WHO ने कई जानवरों का नाम लिया था। इसके अलावा मांस और मछली बाजारों पर भी संदेह जाहिर किया गया था। इसके बाद कोरोना वायरस का जेनेटिक डिटेल्स बेस्ड एनालिसिस किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक चीनी अखबार ने लिखा है कि कोरोना वायरस की खबर मिलने के बाद वुहान प्रांत की मांस मंडियों बंद कर दी गई हैं, लेकिन इन मंडियों के बंद होने से पहले सांपों से बिल्लियों तक हर एक तरह का मांस यहां पर मिलता है। अखबार की रिपोर्ट में भी माना गया है कि चीनी लोग अपने खान पान की हैबिट की वजह से ऐसे संक्रमण वायरस के शिकार बार बार बन रहे हैं। अखबार ने यह भी लिखा है कि चीन को इस वायरस से निपटने में आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब चीन में कोरोना वायरस से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब तक इस खतरनाक वायरस से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ लोगों के मन में खौफ है। इस बीच खबर की है कि वहाँ के लोग अपने घरों से पालतू जानवरों को बाहर फेंक रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक चीन में अफवाह फैल गई है कि कोरोना वायरस जानवरों से फैल रहा है। अखबार के मुताबिक चीन से कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पालतू जानवर मौत के बाद खून से लथपथ हैं। कहा जा रहा है कि लोग अपने अपार्टमेंट से कुत्ते और बिल्लियों को फेंक रहे हैं। वहाँ के लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि शंघाई में 5 बिल्लियों को घर से फेंक दिया गया, इनकी लाशें सड़क पर दिखी। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ का खान पान अच्छा है या बुरा, और इन्हें ये खाना चाहिए या नहीं? तो कमेंट करके अपनी राय बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि लोगों को पता चले चीनियों का खान पान कैसा है और वो इस खान पान से बच सकें। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल पाए। ते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।